हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, ई प्रवेश पोर्टल पर पीजीसीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, एमए, एमएससी और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की। अब आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एडमिशन फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म किस प्रकार से करा सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको इस साइट पर विजिट करना होगा। ई प्रवेश पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साइट पर विजिट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वाले सेक्शन में आना है और इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा सीएलसी राउंड की लिस्ट चेक करने के लिए। तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसे आप यहाँ से टिक करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एग्री करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको काफी सारी लिंक देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर आपको शो करेगा ऑनलाइन अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस। कॉलेज द्वारा अलॉटमेंट एक्टिव करने के उपरांत ही अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस करें, यानी कि 25 सितंबर से 30 सितंबर तक आप अपने अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको क्या प्रोसेस करनी होगी इस फर्स्ट लिंक से, जैसे कि आपने सीएलसी राउंड में एक से अधिक कॉलेज को चॉइस किया है, आपने मान लीजिए दो कॉलेज चॉइस किए हैं और आपको दोनों कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, तो अब आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको जो है अलॉटमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक कॉलेज को टिक करना होगा, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना होगा उस कॉलेज को। इसके बाद आपका अलॉटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप उसका रिप्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप उसका जो है अलॉटमेंट प्रिंट करने के लिए इस लिंक के माध्यम से भी अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट डाउनलोड करने के बाद ही आप अपनी एडमिशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं और एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। तो एडमिशन फीस पेमेंट करने के लिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट एक्सेप्ट करने के उपरांत ही आप एडमिशन फीस पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आप 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कर सकते हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इनमें आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ऑनलाइन पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा कोड फिल करके व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपको स्कीम सिलेक्ट करना होगा किस स्कीम के तहत आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन स्टेटस सिलेक्ट करना होगा और आपको किस प्रकार से फीस पेमेंट करना है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई गई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं आप आई बटन में जाकर, और उस वीडियो को देखकर आप अपनी ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड एक पूरा प्रोसेस सीएलसी राउंड में लिस्ट चेक करने का, अलॉटमेंट डाउनलोड करने का और फीस पेमेंट करने का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए।